गाइज, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई एम प्रेरणा एंड वेलकम यू ऑल टू माई चैनल. सो गाइज, आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी की इम्पॉर्टेंस. यस गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन सी जो होता है हमारी स्किन को किस तरीके से चेंज कर सकता है. यस, अगर आप विटामिन सी से इंक्लूड कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगाओगे ना, बीट भी सिरम, फेस वॉश और क्रीम, तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है या फिर कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है. तो आज मैं वही आपको बताऊंगी कि विटामिन सी आपको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं या फिर कुछ नुकसान क्या क्या हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ में. लेकिन अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है अगर तो प्लीज़ इट लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये वीडियो, लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि जो विटामिन सी होता है ना, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट. इसमें जो है एंटी ऑक्सीडेंट की बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में, वाइटन अप करने में, लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है. मतलब चेंज हो जाएगी. अगर आपके फेस पे कुछ भी डलनेस है या फिर बहुत दिनों से पिगमेंटेशन चला आ रहा है तो वो बिल्कुल ही दूर हो सकता है. सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन सी किन किन चीज़ों में होता है, आप होम रेमेडीज़ में क्या क्या यूज़ कर सकते हो. तो अगर आपको पता हो तो लेमन जो होता है, नींबू, उसमें विटामिन सी भर भर के दिया होता है. तो आप चाहो तो कोई भी आपकी होम रेमेडी में विटामिन सी के तौर पे आप जो है नींबू को थोड़ा सा स्क्वीज़ करके फिर अपने फेस पे लगा सकते हो. कभी भी आपको जो है लेमन डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगाना है, उससे क्या होता है आपकी स्किन को डैमेज भी पहुँच सकता है. तो इसीलिए आप कोशिश करो कि आप जो लेमन है वो किसी मुल्तानी मिट्टी में यूज़ कर लो, या फिर बेसन में यूज़ कर लो, या फिर कर्ड में यूज़ कर लो, उसमें इंक्लूड करके आप अपने फेस पे बिल्कुल रियूज कर सकते हो. इसी के साथ ही साथ ऑरेंज, ऑरेंज में भी विटामिन सी भरपूर होता है. आप विटामिन सी के रूप में ऑरेंज का जूस पी सकते हो. आप यू नो वीक में थ्राइस जो है ऑरेंज जूस को इंटेक कर सकते हो, उससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेटर बनती है. सो गाइज, ये तो थे सारे फूड जो कि आप बिल्कुल इंटेक कर सकते हो या फिर अपने स्किन पे एज अ DIY यूज़ कर सकते हो. नाउ मैं आपको एक ऐसा फेस वॉश बताने वाली हूँ जिसमें विटामिन सी इंक्लूड करा गया है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस विद यू और वाओ का फर्स्ट एवर पेपर ट्यूब पैकेजिंग. सो ये गाइज, आप देख सकते हो, वाओ, स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश. एज यू कैन सी, इट कम्स इन दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग नाउ विच इज अ पेपर ट्यूब पैकेजिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरीके की पैकेजिंग देखने के लिए मिलेगी. देन आप यहां से इसकी लिड ओपन करोगे ना गाइज, तो इसके अंदर जो है आपका पेपर ट्यूब पैकेजिंग में फेस वॉश दिया गया है. सो नाउ यू कैन सी, दिस इज अ ऑल ओवर पेपर ट्यूब पैकेजिंग. सो इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय वाओ स्किन साइंस टू रिड्यूस 45% ऑफ प्लास्टिक यूसेज. सो आप देख सकते हो इसका कितना ज़्यादा प्रिटी एंड अर्दी लुक है ऑल ओवर, यू कैन सी. एंड इट इज़ फॉर अ बेटर टुमारो गाइज, फॉर द ग्रीनर टुमारो. तो अगर हम जो है प्लास्टिक का यूसेज कम करते हैं तो हमारा जो वर्ल्ड है वो बेटर एंड बेटर बनेगा. तो उसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये पेपर ट्यूब पैकेजिंग बनाई गई है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें जो है विटामिन सी ही इसका मेन इंग्रेडिएंट बनाया गया है. तो विटामिन सी क्या होता है, जो फ्री रेडिकल डैमेज हो जाता है आपकी स्किन में, उससे भी आपको बिल्कुल रिड्यूस करता है, उससे बचाता है आपको. इसमें विटामिन सी के साथ ही साथ मलबरी एक्सट्रैक्ट्स भी दिए गए हैं. तो मलबरी एक्सट्रैक्ट्स क्या करते हैं, अगर आपकी स्किन में कुछ भी साइंस ऑफ एजिंग है, लाइक फाइन लाइन्स हैं या फिर रिंकल्स हैं, तो उसको भी स्टॉप करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं. देन इसी के साथ ही साथ इसमें लिकोरिस एक्सट्रैक्ट्स भी मिक्स करे गए हैं. तो लिकोरिस एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, आपकी स्किन को बेटर बनाएगा, आपकी स्किन जो खराब हो रही है तो उसको इवन टोन करता है, ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को. सो गाइज, मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी है कि वेन एवर यू विल यूज दिस फेस वॉश ना, तो इट विल लीव योर स्किन वेरी वेरी रिफ्रेश्ड, वेरी वेरी जेंटल. सो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगती है. मतलब जब मैं मॉर्निंग में इससे फेस वॉश करती हूँ, मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड हो जाती है. और why it feels very very refreshed, because it removes all the dirt, all the dust and pollutants from your skin. अगर आप कहीं बाहर भी गए हो ना घूमने के लिए, तो आप जब वापस आते हो वहाँ से, तभी भी आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो. कोई भी pollutants भी अगर आपकी स्किन में स्टिक हो गया है तो वो भी ये निकाल के फेंक देगा. सो चूज वाइजली एंड बी वाओ. सो येस गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो. आज मैंने आपके साथ में शेयर करा बेनिफिट्स एंड यू नो यूजेज ऑफ विटामिन सी फॉर योर स्किन टोन. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इट लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को. और मेरे चैनल के लिए अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. आई शेल मीड यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश. बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय.